हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी ने जिला मंडी के नेर चौक में स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य संस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर अस्पताल परिसर का पूरा जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी ने जिला मंडी के नेर चौक में स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्वास्थ्य संस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर अस्पताल परिसर का पूरा जायजा लिया। उनके साथ बल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, स्थानीय नेर चौक नप के पार्षद रजनीश सोनी, पार्षद आलम राम और प्रदेश व्यापार मंडल उपाध्यक्ष अमृतपाल सिंह, ग्राम पंचायत चंडियाल उप प्रधान रवि चंदेल आदि सभी ने अस्पताल प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संदर्भ में की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया और अस्पताल के वार्डों में जाकर मरीजों का हाल चाल भी पूछा और जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अधिकारियों से पूरा जायजा लिया। नेर चौक मेडिकल संस्थान के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने पूर्व मंत्री को विस्तार से कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी, उसके बचाव हेतु क्या करना है, कैसे बचना है, किन किन कारण और बीमारियां होने पर यह संक्रमण फैल सकता है और किस तरह नेर चौक मेडिकल संस्थान ने इसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं उसकी जानकारी दी गई। क्या क्या सुविधाएं इसके लिए मेडिकल प्रशासन द्वारा की जा रही हैं उन्होंने बताया कि केंद्रीय और प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के आदेशानुसार 50 मरीजों के लिए अलग अलग कमरों में अस्पताल परिसर में सुविधा कर दी गई है। यहां तैनात वरिष्ठ डॉक्टरों का कार्य केवल इस संक्रमण के मरीजों को ढूंढना है, बीमारी का पता करना है कि मरीजों को ये संक्रमण है भी या नहीं, और यदि जिन मरीजों को इस कोरोना संक्रमण पर संदेह हुआ उन मरीजों को 14 दिनों तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इस अवधि में यदि किसी व्यक्ति में ये संक्रमण पॉजिटिव पाया गया तो उसको शीघ्र इंदिरा गांधी शिमला मेडिकल कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज या PGI शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसके लिए वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कौन सा मास्क किस समय पहनना है और अपने आसपास स्वच्छता करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। उनके साथ बल कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश सैनी, इंटक प्रमुख भूपेंद्र गुलेरिया, रतनचंद, नवीन राणा, सुनील कुमार आदि कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हम यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है नेर चौक, यहाँ हमारी जो कांग्रेस हाई कमांड शिमला है वहाँ से डायरेक्शन हुई थी कि आप मंडे को आप अपने अपने हॉस्पिटल में, जहाँ हमारा बल का हॉस्पिटल बड़ा जो मेडिकल कॉलेज यहाँ नेर चौक में है, यहाँ जाने के आदेश हुए। यहाँ हमें सीनियर जो MS देवेंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई, हालांकि वो व्यस्त थे, व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने अपना टाइम हमें दिया, तो हमने उनसे जो कोरोना के बारे में जो जानकारी लेनी थी वो ली। हमने इनसे ये भी पूछा कि क्या प्रशासन की तरफ से आपको पूरा साथ मिल रहा है, या जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार है उनके द्वारा भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये इन्होंने पूरा बताया कि सरकार की तरफ से भी हमें पूरा सहयोग है और प्रशासन की तरफ से भी हमारा पूरा सहयोग है। जैसे उन्होंने कैटेगरी बताई A, B, C, उस कैटेगरी के अनुसार इन्होंने पूरा हमें इसके बारे में जानकारी दी। हमें ऐसा लगा कि जो कोरोना के संबंधित जो मरीज है उनको यहाँ लाया जा रहा है, इसके लिए बल्कि जो जनता है, बल्कि जो लोग ये चाह रहे थे कि मरीज यहाँ ना है, लोगों का कहना था कि यहाँ का जो मरीज है वो एडमिट हो सकता है पर बाहर से कोई मरीज न लाए। जैसे इन्होंने बताया, ठीक है जी, कुल्लू में है, मंडी में है, शिमला में है या बलकाए मेडिकल कॉलेज है, यहाँ आने के आदेश हमें ऊपर से हुए हैं, उनके अनुसार हम कर रहे हैं। पर जिस तरह इन्होंने जानकारी दी उस जानकारी के मुताबिक हमें ऐसा लगा कि जो कोरोना से संबंधित लोग हैं वो नहीं, या किसी को हो रहा है या होने के लक्षण हैं, या कि इनको खांसी जुकाम हो रहा है उसके लक्षण है, तो ऐसा ऐसा इन्होंने जो जानकारी दी इसके संबंधित, इससे हमें भी लगा कि ऐसा कुछ नहीं है और लोगों में भ्रांति थी, और ऐसा तो है किसी हमारे भाई को होता है तो उसके इलाज तो होना चाहिए,
वो चाहे यहाँ हो, चाहे शिमला में हो, चाहे टांडा में हो, चाहे मंडी या कुल्लू में हो, तो ये जानकारी हमें मिली। हम देवेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे और जिन लोगों ने हमें कहा उनका भी हम धन्यवाद करने चाहेंगे और हम कांग्रेस हाई कमान शिमला का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिनकी डायरेक्शन हमें मिली और हम यहाँ पे पहुंचे। धन्यवाद।